दूसरा नाला निकालते हैं साइड से, इसके बाद उस नाले को फिर दूसरे नाले के माध्यम से करते हैं। तो ये पूरे इस एरिया में, पछाड़ के एरिया में नाला सूखता रहता है और वो यमुना में मिल नहीं पाता। तो जो एक तरह से नेचुरल फिल्ट्रेशन का काम करते हैं और उसमें वृक्षों की सहायता ले रहे हैं, एक बहुत अच्छा तरीका है। इसमें कुछ एडिशन और किया जा सकता है, जिस जो मैंने महसूस किया बातचीत करने के दौरान, अनिल शर्मा जी हैं, गोस्वामी जी हैं, बंसल साहब हैं जो इसके अध्यक्ष हैं, कि अगर हमारे एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट ये सक्रिय हों तो जो गंदगी आ रही है और जो फिल्ट्रेशन हमको मिट्टी से या वृक्षों के माध्यम से करना पड़ रहा है वो बहुत कम हो जाएगा और लोड बहुत कम होगा, पोल्यूशन का, पोल्यूटेंट्स का लोड बहुत कम होगा और इससे इसके इर्द गिर्द पूरे यमुना के इर्द गिर्द जो पर्यावरण तैयार होगा वो भी बहुत अच्छा होगा और जो हमारा यहाँ पर पक्षी होंगे, तितलियाँ होंगी, वो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत उपयोगी होंगे, जो कीट होंगे बहुत उपयोगी होंगे। तो ये इसमें एडिशन, इसके अलावा भी इन कार्यक्रमों में जो नदी विशेषज्ञ, जो भारत के व्यवस्था के नदी विशेषज्ञ, उनको आमंत्रित करके और भविष्य में उनसे टेक्निक को लेकर के, चीज़ों को लेकर के, और न केवल हमें यमुना को स्वच्छ करने में ऐसे ही मदद मिल सकती है। देखिए, तीन पक्ष हैं कुल, एक लोग हैं, जनता है जी, दूसरे कानून बनाने वाले लोग हैं और कानून का पालन करने वाले लोग, और कुछ विशेषज्ञ लोग हैं, विशेषज्ञ जो इसकी जानकारी रखते हैं। आप जैसे दुनिया के बहुत सारे इंडस्ट्रियल देशों में, जो जापान में है, आप इंग्लैंड में टेम्स नदी है, बहुत सारे इंडस्ट्रियल किनारे पर है और फिर लेकिन वो नदी बहुत ही स्वच्छ है, तो वहाँ से तकनीक लेके लेकिन भारत की परिस्थितियों में उसको कैसे लागू किया जा सकता है। ये तीनों पक्ष एक साथ और स्वयंसेवी भाव से जुड़ेंगे और यहाँ का स्वयंसेवी भाव यमुना मिशन के लोगों का देखते बनता है और मुझे बहुत खुशी है इनका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इसमें योगदान।